शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के टोंक में थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की। भगवान श्री देव नारायण जी री धरती, मांडव ऋषि री तपोभूमि, टोंक में नमन, सर्व धर्म समभाव री नगरी, विश्व कल्याण री भावना निभाव तो शहर, महिला शिक्षा री अलग जगाव तो टोंक, अठेरा सपूता अठेरी जनता न गणो घणो नमन, आप सबारो अभिनंदन। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान विपक्षी दलों पर भी जमकर बरसे। आज भी कश्मीर में जैसे हिंदुस्तान के जवान मरते हैं, शहीद होते हैं, वैसे कश्मीर के लाल भी ये आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होते हैं। और इसलिए जब कुछ लोग, भले वो दो हो, चार हो, पांच हो, लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें उन लोगों को ताकत देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वालों को आशीर्वाद देने जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये नारा देने वाले लोगों को, आशीर्वाद देने वालों को ताकत देने का पाप मेरे देश का कोई नागरिक नहीं करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजस्थान दौरा है और जिस टोंक में पीएम मोदी ने शनिवार को जनसभा को संबोधित किया वो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की विधानसभा सीट है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।